हाँ अनिल बताए, ये तोप का बारे में रघुनाथगढ़ की पहाड़ी पर है, ये तोप की विशेषता बता कहीं है। इसकी विशेष बात यह है, 3 दिन 3 रात मारती कटी काटी हुई है, लुआ रहे थे। लुआ रहे थे इसको काटने की कोशिश की थी, हाँ, 3 दिन 3 रात में इतनी कटी। 3 दिन और 3 रात में इतनी कटी। और ये यहाँ पे नाम भी लिखा है, किसी ने खिड़ाया है ये तो फिर लिखा हुआ है किसी का, किसी का। क्या लिखा हुआ होगा देखने, महेंद्र ये तो लड़का का लिखा हुआ है। किसी लड़के का छन्नी थोड़ा लेके आया है ना। देखें ऐसे कैसे दिखने दिखने में कैसे लगती है इधर से। ये कितनी बार चली हुई है, सिर्फ एक बार? कहाँ तक गई इसकी मार, कहाँ तक हुई थी? इसकी मार किशनगढ़ तक। यहाँ से तो कुशलपुरा का पहाड़ नजर आ रहा है देखो सामने, वहां से टकरा करके लक्ष्मणगढ़ लक्ष्मणगढ़, और वहां से किशनगढ़ जाके इसका मोड़ देखता हूँ। ये बत्ती यहाँ लगाते थे, ये बत्ती कई जगह ये बत्ती की है ना। और इसके ऊपर वो भी करने पूछते भी हैं भैया इसको, तो पूछते हैं इसको गांव वाले। गांव वाले पूछते हैं ना। ये देखो तेल डाला हुआ है इसके ऊपर, लोहे की तो नहीं है, ये अष्ट धातु की है, सही है। और इसको यहाँ लाया कौन था सबसे पहले? गांव के लोग बताते, एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी ने बना के यहाँ पे ला के रखे। गांव के लोग, बुजुर्ग लोग बताते हैं कि एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी उसकी पत्नी ने यहाँ लाके रखा था या रखवाया था। क्यों? ठीक है।